आपने प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ा होगा, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जिसने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। प्रहलाद जी के मामा थे दानवराज दुदुम्बी, बहुत ध्यान देना। एक समय देवताओं को परास्त करने के घनघोर तप किया दुदुम्बी ने, घनघोर तप किया, बहुत ध्यान देना, थोड़ा ही समय बचा है बस। अब तपस्या करने के बाद में एक ही बात सामने आई है कि संसार में ये जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संत हैं, अगर ये पूजन पाठ बंद कर दे करना, अगर क्या कहे तो भगवान को कोई नाम लेना भी भूल जाए। इसने मन में विचार किया, जितने ब्राह्मण हैं, जितने संत हैं, संत और ब्राह्मणों से पूरी धरती को विहीन कर दूंगा, ऐसा संकल्प लिया इसने। क्योंकि ब्राह्मण और संत की कृपा से यह धरती फलती है और फूलती है साहब के बनवास। इसने मैंने विचार किया कि ब्राह्मण भगवान की पूजा नहीं करेंगे, संत लोग तपस्या नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे ना अगर, तो भगवान को कौन मानेगा, और भगवान की जितनी शक्ति है सब धीरे धीरे छीन होती चले जाएगी देवताओं की, और फिर हम देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, कितना सुगम सरित है बताओ। ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, इसका फल देवताओं को मिलता है, और देवता उसमें हष्ट पुष्ट होते हैं, उनको शक्तियां मिलती है। संत तपस्या करते हैं, संत की तपस्या का फल देवताओं को मिलता है, और उस तपस्या के फल से दानवों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो क्यों ना संसार से संत ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। तो दुदुम्बी नामक राक्षस ने सिंह का रूप धारण किया। बड़े ध्यान से सुन रहा, काशी नगरी की महिमा है। सिंह का रूप धारण कर लिया और पहुंच गए कहां, काशी नगरी। उनको पता है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण संत काशी नगरी में तपस्या करते हैं। काशी नगरी पहुंच गए और वहां जाकर के सिंह का रूप धारण करके एक एक ब्राह्मण को पकड़ के खाने लगे। जो भी ब्राह्मण कर्मकांडी मिलता है उसको पकड़ते हैं और खा जाते हैं। धीरे धीरे करके काशी में जितने संत ब्राह्मण थे उनकी कमी आने लगी। परमात्मा भगवान विश्वनाथ वहां पर विराजमान है और भगवान ने मन में विचार किया, इस धरती पर ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे, संत ही नहीं रहेगा तो देवताओं का क्या होगा। भाई आपको सत्कर्म में लगाने वाला कौन है, ब्राह्मण ही तो है। ये संसार में भजन पूजन करते हैं संत लोग, अपने लिए करते हैं कि दूसरे के लिए करते हैं साहब, दूसरे के लिए करते हैं। मैंने एक बात और कही थी आपसे, संसार में आपका शुभ चिंतक अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण, बाकी कोई नहीं। डॉक्टर भी यही चाहता है ना कि बीमार पड़े, मैंने कहा था आपको एक बार, डॉक्टर क्या चाहता है, रोज बीमार पड़ो, रोज मेरे घर आओ। एक वकील क्या चाहता है, रोज ये झगड़ा करे, रोज इनका केस लड़ू मैं अदालत में। कोई डॉक्टर वकील हो तो बुरा मत मानना, प्रणाम करे आपको। और एक कार मैकेनिक भी यही चाहता है, रोज इसकी गाड़ी खराब हो। एक पत्रकार तो यही चाहता है, रोज इसके साथ कोई ना कोई घटना घटे तो मैं पेपर में छाप दूं इसके नाम से। एक दांत का डॉक्टर ये कहता है, इसके रोज दांत दुखे। एक मकान मालिक ये चाहता है, इसका मकान कभी नहीं बने, हमेशा किराया देता रहे मेरे को। सत्य बताया आपको, उनके मन में यही भावना रहता, जो किराए से लोग रहते उनको पता ना जरा, वो मकान मालिक क्या चाहता, भगवान इसका कभी मकान नहीं बने तो हमेशा ये मुझे किराया देता रहे और मेरा जीवन निर्वाह होता रहे। मगर संसार में एक ब्राह्मण क्या चाहता है बताओ जरा, वो तो यही चाहता है ना जब तेरे घर में रोज मंगल कार्य होता रहे साहब, रोज तेरे घर में भगवान की पूजा हो, रोज भजन हो, कीर्तन होता रहे तो मुझे भी मिलेगा। अब इतना बड़ा मंगल कार्य तुम नहीं कराते हैं तो फिर ये इतनी बड़ी मेरी जो फौज बैठी है इनको कौन बताओ जरा है? बहुत लंबी चौड़ी टीम बैठी ना यहाँ, हम लोग क्या चाहेंगे बताओ आपसे, कि आप कथा कथा कराते रहो भगवान का मंगल कार्य, हम कथा यहां से कहते रहे और हमारा पेट पालन होता रहे, हमारा जीवन निर्वाह होता रहे आपके द्वारा। यही ब्राह्मण चाहता है, केवल आपके घर में मंगल कार्य होता रहे बस। ब्राह्मणों को खाना जब इसने आरंभ कर दिया ना, भगवान शिव ने मैंने विचार किया कि काशी नगरी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करता है, उसी समय भगवान
कालों के काल महाकाल काशी के विश्वनाथ भगवान आज हाथ में त्रिशूल लेकर प्रकट हुए, और जो दुदुम्बी नामक राक्षस था जो सिंह बनकर के ब्राह्मण संतों का खाता था उसको भगवान ने मारा है यहाँ पर अवंती नगरी में, काशी नगरी में। जो सिंह बनकर के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करता था आज भगवान इस राक्षस का अंत किया है, और ब्राह्मण संतों की आज भगवान ने रक्षा करी है। बोले विश्वनाथ भगवान की, काशी मुक्ति की नगरी है, मुक्त करने वाली नगरी है, और ये हमारा नौवां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर के नाम से। बोले विश्वेश्वर भगवान की जय हो। और हमारा दसवां ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र की धरा के ऊपर नासिक में त्र्यंबकेश्वर के नाम से, जो गौतम ऋषि और इनकी धर्म पत्नी माता अहिल्या ने इसका निर्माण किया है। गौ हत्या का पाप लगा था, घड़ी का इशारा कह रहा कि आधा घंटा ऊपर हो गया है, 3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कल 2 घंटे का हमको समझ दिया आपने, है ना, करेंगे 9 से 11, कल 9 से 11 कथा रहेगी और उसके बाद में भंडारा भी रहेगा, तो जो बची है उसको कल पूरी कर देंगे। अब कल भी तो करना है ना हमको, थोड़ा बहुत काम करने तो कल भी। कथा तो भगवान की इतनी अच्छी है कि मैं इसी स्थान पर बैठ करके, अभी तो ऐसा नहीं कि ज्योतिर्लिंग है, इसके आगे भी बहुत कथा है। शिव महापुराण यही पूरा नहीं हो जाता, 24,000 श्लोक है, बहुत बड़ा पुराण है। मगर क्या कहा गया संतों ने, सार अंश को ग्रहण करो। जो सार अंश है ना, कौन है, जैसे दूध, दूध में से दही, दही में से माखन, और माखन में से घी, घी क्या है, सार अंश है ना, तो घी को भगवान ने अर्पण किया है ना, बत्ती जलाओगे काई में, घी में, दूध में कौन बत्ती जलाता है, दही में बत्ती नहीं जलती, माखन से बत्ती नहीं जलती है, जब भी बत्ती जलती है ना सार अंश से जलती है, तो जितना सार अंश है ना वही आपके सामने यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हम लोग। गोपाल कृष्ण भगवान की।